हेलो नमस्कार सलाम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पॉकेट गुरुजी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एमएक्स प्लेयर के एड्स को रिमूव करोगे एमएक्स प्लेयर से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन वीडियो देखते हैं और फिर भी जब भी आप बैक करते हो कोई वीडियो देखने के टाइम, अगर आप बैक बटन प्रेस करते हो तो वहाँ पर आपको ऐड देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में दोस्तों कैसे आप उस ऐड को रोकोगे और अपने ऑफलाइन वीडियो को एकदम आराम से और बिना ऐड के देख पाओगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे दिखाता हूं कि आपको कैसे क्या करना है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं तो आपको दिखा देता हूं कि कैसे कैसे एड्स यहाँ पे आते हैं। जब हम अपने एमएक्स प्लेयर पे जाते हैं, देख सकते हो दोस्तों, एमएक्स प्लेयर ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे फोल्डर भी आ जाते हैं जो एमएक्स प्लेयर की तरफ से होते हैं। अगर आप ऑफलाइन वीडियो देखना चाहते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपको उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे वीडियो प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा वीडियो प्ले हुआ, लेकिन जब हम बैक करते हैं तो यहाँ पे तमाम तरह के ऐड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखिए अभी ये ऐड जो है फेसबुक की तरफ से दिखा रहा है, तो चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। और अगर फिर से आप कोई वीडियो देखने जाओगे ना, फिर से कोई वीडियो देखने जाते हैं ये, तो फिर से बैक करते हो आप, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कई सारे यहाँ पे ऐड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसा ना हो, ऐड ना आए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसके सेटिंग में जाना पड़ेगा, यानी एमएक्स प्लेयर के सेटिंग में जाना होगा। तो वहाँ पे कैसे जाएंगे आप, डायरेक्ट या तो आप कर सकते हो, यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे। अगर आपका एंड्रॉयड 10 है 9 है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही एमएक्स प्लेयर पे, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐप इन्फो का, आप यहाँ से ऐप इन्फो पे डायरेक्ट जा सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, ऊपर से आप स्लाइड करोगे, यहाँ से आप सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद आप ऐप्स में जाओगे, यहाँ से आपको ऐप्स देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे ऐप्स है। ऐप्स के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट पे आना है और यहाँ से आपको अपना एमएक्स प्लेयर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ढूंढ लेना अपना एमएक्स प्लेयर, यहाँ हमारा यहाँ पे है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो आपको आ जाना है डाटा यूजेज में। डाटा यूजेज में आने के बाद आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, यानी आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है यहाँ पे ऑन किया हुआ है, यहाँ पे वही दिखाएगा आपका इंटरनेट ये कितना एमबी लिया है। टोटल देख सकते हो आप, मेरे में दिखा रहा है 30 MB के आसपास। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड डाटा जो होता है वो हमेशा ऑन होता है एमएक्स प्लेयर का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैकग्राउंड डाटा को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबल मोबाइल डाटा, तो यहाँ पे ऑन नहीं, यानी कि डिसेबल नहीं है हमारा मोबाइल डाटा एमएक्स प्लेयर के लिए। तो यहाँ पे मोबाइल डाटा को हमको क्या करना है, यहाँ पे डिसेबल कर देना है। और इतना करने के बाद दोस्तों आपको नीचे देखने को मिलेगा डिसेबल वाईफाई का ऑप्शन, तो यहाँ पे डिसेबल वाईफाई भी कर देना है। और इतना करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दोस्तों जाना है स्टोरेज यूजेज में और यहाँ से क्या करना है, आपको क्लियर डाटा कर देना है। क्लियर डाटा करने के बाद आपको फिर से एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद फोर्स स्टॉप करना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है, आपको अलाउ करना है। और अलाउ करने के बाद आपके सारे फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगे और कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से फिर से आपको यहाँ पे प्ले करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो चला रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, कोई भी एड आपको देखने को एमएक्स प्लेयर में नहीं मिलेगा। मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, और कोई भी वीडियो आप चाहो तो इससे चला सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, कोई भी ऐड नहीं है यहाँ पर। तो बहुत ही आसान तरीके से, इसी तरीके से आप अपने एमएक्स प्लेयर के ऐड को बंद कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।